शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से एक दिन नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की कि हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति तथा उनकी महिमा को बताने की कृपा करें। महर्षियों की प्रार्थना सुन सूत जी बोले, हे परम तपस्वी महर्षियों, अपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वह सारा वृतांत मैं आप सभी को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वर्ष में 12 मास होते हैं और एक मास में 2 एकादशी होती है, सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इन 2 एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशी होती है। हिंदू पंचांग में प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। एक माह में 2 एकादशी अर्थात एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में होती है। भगवान विष्णु के भक्त गण उनकी कृपा प्राप्ति हेतु एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी उपवास एक 3 दिवसीय व्रत है। भक्तगण उपवास के दिन से एक दिन पूर्व मध्याह्न काल में एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में भोजन के अंश शेष ना रह जाए। भक्तगण एकादशी के दिन कठोर उपवास का पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही उपवास खोलते हैं। एकादशी व्रत के समय सभी प्रकार के अन्न एवं अनाज का सेवन वर्जित होता है। भक्तगण अपनी इच्छा एवं शारीरिक शक्ति के अनुरूप निर्जला, केवल जल, केवल फल तथा एक समय फलाहार ग्रहण करके उपवास का पालन कर सकते हैं। हालांकि इस बात का निर्धारण व्रत आरंभ करने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी माता की कथा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्मे को अर्जुन से कहा था, प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं तथा इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के ये वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करनी चाहिए तथा रात्रि को भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नानोपरांत मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे उद्धृतापी, वराहेन कृष्णेन सतबाहुना, मृतिके हरमे पाप यन्मया पूर्वक सचितम, त्वचा हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। स्नानोपरांत धूप दीप नवेद से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए श्रीहरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए तथा उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखो द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के समान भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में संक्रांति में तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में दान देने से तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है
वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1,000 गोदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के समान होता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन करने के समान होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। काशी व्रत का फल 1,000 यज्ञों से भी अधिक है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने इसे काशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्रादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तदोपरांत इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा कि हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्ति करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्रीहरि शेषय्या पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है कि जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृतांत बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुन देवेंद्र ने कहा कि हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है। वह चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक एवं देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा सब देवताओं को देवलोक से निकाल कर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोक पाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए।
दैत्य पूर्व से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र एवं गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह विचार करने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। तदोपरांत वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया तथा उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और शेष बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निंद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की वचनों को सुन भगवान विष्णु ने कहा, तुमने इस असुर का संहार किया है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत कर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुन कन्या बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान प्रदान करें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले तथा उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक समय भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कन्या, ऐसा ही होगा, मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकाशी को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकाशी हुआ, क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकाशी के नाम से विख्यात होगी तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नौमी तथा 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव पुत्र, एकाशी के व्रत का फल सभी व्रतों एवं सभी तीर्थों के फल से महान है।
एकाशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ तथा व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी नष्ट कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकाशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय तथा सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकाशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकाशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्ष की एकाशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकाशी महात्म्य का श्रवण एवं पठन करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा अकाट्य वचन है। कथा का सार। एकाशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस मूर नामक असुर का वध किया है, जिसे भगवान भी पराजित करने में असमर्थ थे। उस शक्ति के समक्ष मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं? जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख प्रदान किया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं प्रदान कर सकती? अतः देवी एकाशी की कृपा से सुख समृद्धि शांति और मोक्ष समस्त प्रकार के सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कहिए एकाशी माता की जय।